Myself Jeevan Bhogal, lecture political science, government higher secondary school, boys Udhampur. आज के सेशन में आपका वेलकम करता हूँ। और प्रीवियस सेशन में हमने पढ़ा था व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कोल्ड वार। तो आज नए सेशन में हम शुरू करेंगे व्हाट वर द इवेंट्स आर एरिनाज ऑफ कोल्ड वार। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट वर द इवेंट्स आर एरिनाज ऑफ कोल्ड वार। कोल्ड वार के दौरान कौन कौन से इवेंट हुए, क्या क्या घटनाएं घटी और किन किन एरियाज के अंदर हुए कोल्ड वार, कहाँ कहाँ देखी गई, कौन कौन एरिया उसके कोल्ड वार का अखाड़ा बने, रीनास बने। तो सबसे पहला इवेंट जो था, या आप कह सकते हो रीना जो था, वो था कोरियन क्राइसिस 1950 से लेकर 1953 तक। यूएसएसआर और यूएसए जो दो सुपर पावर थी, उन्होंने कोरिया को 38 पैलर पे डिवाइड कर दिया नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में। और नॉर्थ कोरिया की सपोर्ट जो करता था वो यूएसएसआर करता था और साउथ कोरिया की सपोर्ट जो करता था वो यूएसए करता था। इसी तरह नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में 25 जून 1950 को युद्ध स्टार्ट हो गया और सबसे पहले नॉर्थ कोरिया ने अटैक किया साउथ कोरिया के ऊपर विच इज सपोर्टेड बाई यूएसएसआर। एंड लेटर ऑन साउथ कोरिया ने यूएसए ब्लॉक के साथ मिलके 22 कंट्री के साथ मिलके उस वार का मुंह तोड़ जवाब दिया और वो वार जो थी वो तकरीबन 3 साल तक चली, एटलीस्ट लास्टेड फॉर 3 ईयर्स। एंड ड्यूरिंग दैट कोरियन क्राइसिस, कोरियन वार, वहाँ पे 1,25,000 लाइफ जो थी वो उसमें बर्बाद हो गई, यानी कि 125,000 लोग उसमें मारे गए। और ये जो क्राइसिस थे कोरियन क्राइसिस, इसको ख़त्म करने के लिए यूएनओ को खुद सामने आना पड़ा और उसकी इंटरवेंशन के बाद ये क्राइसिस जो थे 3 साल के बाद 1953 में ख़त्म हो गए। और ये जो था टू सुपर पावर का अरीना बना और ये एक इवेंट भी था कोल्ड वार का। नंबर दो हम स्टार्ट करते हैं वर्लियन क्राइसिस 1948 टू 1961। ये जो वर्लियन क्राइसिस थे ये भी एक बहुत बड़ा अरीना बना और इवेंट था ड्यूरिंग द कोल्ड वार, जिसमें ईस्ट, तो ईस्ट जो ब्लॉक था, ईस्ट वर्लियन और जो ईस्ट जर्मनी थी उनकी सपोर्ट जो करता था सपोर्टेड बाय यूएसएसआर और वेस्ट जो थी सपोर्टेड बाय यूएसए। तो इनके बीच में भी बहुत सारे तनावपूर्ण माहौल रहा और 1948 से ही ये माहौल चलता रहा। बाद में साउथ कोरिया चाहता था कि यहाँ पे यूएसएसआर चाहता था कि यहाँ पे यूएसए का इंटरफेरेंस ना हो वर्लियन के अंदर, जर्मनी के अंदर, और उसने उसको कई बार रोकने की कोशिश की, जहाँ तक कि उसके कई बार उसने रोड वाटरवेज भी बंद किए, लेकिन वो फिर भी ना माना। और 1958 में उसने वो सारे रास्ते उसके बंद किए, तो उसको बोलते हैं वर्लियन ब्लॉकेड। उसके बाद 1961 में वर्लियन वॉल बनाने का कंसेप्ट आया यूएसएसआर के नित का, खारुसे शिफ ने ये फैसला लिया और रातों रात 13 अगस्त 1961 को उन्होंने एक नुकीली कांटेदार तार जो थी वो ईस्ट वर्लियन और वेस्ट वर्लियन के बीच में लगा दी और बहुत लंबी काफ़ी एरिया को कवर करती थी। और उसी दिन से वर्लियन वॉल बनाने का काम शुरू हो गया और वो काम जो था वो 20 नवंबर 1961 को कंप्लीट हुआ। तो कंप्लीट एक दीवार बन गई ईस्ट और वेस्ट वर्लियन और ईस्ट और वेस्ट जर्मनी के बीच में, जो एक रुकावट बना दी गई, कोई किसी की मूवमेंट नहीं हो सकती, किसी की इंटरफेरेंस नहीं हो सकती थी और वो उनका जो क्राइसिस था वो ख़त्म हो गया। तो इस तरह से ये भी जहाँ भी कोल्ड वार का एक इवेंट देखा गया और एक अरीना था जे भी कोल्ड वार के दौरान, ठीक है।
इसके नेक्स्ट हम था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962 में, ये मेन इवेंट था ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर जिसको देखा गया टू सुपर पावर के बीच में। क्यूबा एक छोटा सा देश था जो जियोग्राफिकली यूएसए के पास लोकेट था, लेकिन उसके ऊपर डोमिनेंस जो थी वो यूएसएसआर की थी, वो यूएसएसआर के अंडर चलता था। तो यूएसए चाहता था कि मैं क्यूबा के ऊपर अटैक करके उसको अपने साथ मिला लूँ, उसको हासिल कर लूँ। तो उस मंशा से, उस एम से उसने क्यूबा के पास तुर्की में अपनी बहुत सारी सोफिस्टिकेटेड मिसाइल जो थी वो तैनात कर दी, जुपिटर मिसाइल वहाँ पे रख दी और बहुत सारे न्यूक्लियर हथियार वहाँ पे रख दिए। इस बात का जब पता चला यूएसएसआर को कि भाई यूएसए ने आपके ऊपर अटैक करने के लिए तुर्की में अपने न्यूक्लियर बेस बना लिया है, तो उसने कहा कि मैं आपको डिफेंड कर सकता हूँ अगर आप मुझे कहो तो, यूएसएसआर ने कहा क्यूबा को। तो जब उसने, क्यूबा ने उसकी बात मान ली, तो उसी दिन से उसने क्यूबा को इतने न्यूक्लियर हथियारों से भर दिया, न्यूक्लियर बेस बना दिए, न्यूक्लियर मिसाइल बेस बना दिए, सोफिस्टिकेटेड वेपन वहां पे ला के रख दिए। और पूरी दुनिया को ये लगता था अब ये कोल्ड वार जो है ये हॉट वार में बदल जाएगी और एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर वार हो सकती है जिससे पूरी दुनिया को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। एनी हाउ लेटर ऑन किसी तरीके से वो युद्ध टल गया और यूएसएसआर ने यूएसए की ये बात मान ली कि भाई मैं अपने ये सोफिस्टिकेटेड वेपन जो है, न्यूक्लियर हथियार जो है, जो मिसाइलें जो हैं वहां से हटा लेता हूँ, लेकिन बदले में यूएसए को भी कहा गया कि तू कभी भी क्यूबा के ऊपर अटैक नहीं करेगा। तो इस तरह से जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस था वो खत्म हो गया और क्यूबा के अंदर ये देखा गया कि ये सबसे बड़ा इवेंट था जो न्यूक्लियर वार में बदलने वाला था और ये बहुत बड़ा एरिना बना कोल्ड वार का। उसके बाद नंबर चार, वियतनाम क्राइसिस 1954 से 1975 तक। ये भी वियतनाम दो हिस्सों में बंटा हुआ था, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम। तो जो नॉर्थ वियतनाम था उसकी सपोर्ट करता था यूएसएसआर और जो साउथ वियतनाम था उसकी सपोर्ट करता था यूएसए। तो वियतनाम में भी बहुत बड़ा प्रॉक्सी वॉर लड़ी गई दोनों सुपर पावर्स के बीच में और इस प्रॉक्सी वार के दौरान वियतनाम के अंदर बहुत सारा जानी नुकसान हुआ, लगभग 20 लाख लोग मारे गए और तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख लोगों ने माइग्रेट कर दिया वहां से दूसरे देशों में। और जहां पे यूएसए आर्मी का भी बहुत सारा नुकसान हुआ, लगभग 58,000 सोल्जियर उनके भी वहां पे मारे गए। तो ये जो क्राइसिस देखा टू सुपर पावर्स के बीच में, वियतनाम का क्राइसिस जो था ये भी एक बहुत बड़ा एरिना देखा गया ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर इरा टू सुपर पावर के बीच में और एक बहुत बड़ा इवेंट भी था। नेक्स्ट था अफगानिस्तान क्राइसिस 1979 टू 1989। अफगानिस्तान क्राइसिस जो हुए ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर इरा, ये भी क्या था कि अफगानिस्तान के अंदर जो अफगानिस्तान पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान थी उसको मिलिट्री कूप के जरिए उसकी गवर्नमेंट को गिराया गया और इसकी सपोर्ट के लिए यूएसएसआर जो था वो आगे आया और उसके अपोजिट जो ताकत थी वो थी रेबेलियन ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस फोर्सेस ऑफ अफगानिस्तान विच इज कलेक्टिवली रेबल ग्रुप ऑफ वेरियस फोर्सेस ऑफ डिफरेंट नेशंस पॉपुलरली नोन एज मुजाहिदीन। उनको क्या बोलते थे? मुजाहिदीन बोलते थे। जो रेबल ग्रुप था उन्होंने जब 1979 में यूएसएसआर ने अटैक किया अफगानिस्तान के ऊपर अपने उस पीडीपीए को बचाने के लिए, तो रेजिस्टेंस फोर्स ने भी उसका जवाब दिया विच आर सपोर्टेड बाई यूएसए पाकिस्तान एंड द सऊदी अरबिया। और उनको ट्रेन किया जाता था पाकिस्तान के अंदर और चाइना के अंदर और उनको इकोनॉमिक हेल्प जो करता था यूएसए और सऊदी अरबिया करता था। तो इस तरह से ये अफगानिस्तान क्राइसिस चलता रहा, बहुत देर तक चलता रहा, बहुत जानों और माल का नुकसान हुआ, जहाँ पे बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान और ईरान के अंदर माइग्रेट कर गए। और आखिरकार जब 1985 में
मिखाइल गुरबचेव ने यूएसएसआर की कमान संभाली। उसने देखा कि हमें अपनी फौजों को अफगानिस्तान में जो तैनात करके रखा है, तो हम अफगानिस्तान को एक कम्युनिस्ट देश तो नहीं बना सके, लेकिन हमें उनके ऊपर जो खर्चा करना पड़ रहा है वो हमारे देश के ऊपर बहुत बड़ा नुकसान पड़ रहा है उसका। तो हमें जो हम अपने फोर्सेस के ट्रूप्स थे वहां से हम उनको हटाना चाहिए। तो उसने धीरे धीरे फैसला किया और 1985 में वहां से उसने वो अपनी आर्मी हटाना शुरू कर दी। वो लास्ट ट्रूप जो था वो फरवरी 1989 में वहां से उन्होंने हटा लिया। इस तरह से अफगानिस्तान के क्राइसिस खत्म हो गए। ये भी अफगानिस्तान भी एक टू सुपर पावर के बीच में एक अरीना बना ड्यूरिंग द कोल्ड वार, और एक अवेंट भी था ड्यूरिंग द कोल्ड वार। और इसके बाद नंबर 6 पे है इनफेक्टिवनेस ऑफ यूएनओ इन 1945 टू 1991। ये भी एक बहुत बड़ा रीना था अपने आप में कि यूएनओ जो था वो 1945 से 1991 तक इनफेक्टिव रहा, क्योंकि वो खुद कोल्ड वार का शिकार हो गया ऑफ टू सुपर पावर्स का। क्योंकि जब यूएनओ बना तो यूएनओ का एक मेन ऑर्गन था यूएनएससी, ठीक है, यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें 5 परमानेंट मेंबर थे, यूएसए, यूके, फ्रांस, चाइना और यूएसएसआर। और इनको वीटो पावर हासिल थी। कोई भी फैसला करना होता था इंटरनेशनल तौर पे तो ये 5 वीटो पावर उसमें चाहिए होती थी। लेकिन ये देखा गया राइट फ्रॉम बिगनिंग से ही कि जो ये 5 सुपर पावर थी ये यूएनओ का काम सही तरीके से करने नहीं देती थी। खास करके यूएसएसआर जो था वो हमेशा ही अपनी वीटो पावर का मिसयूज करता था, और उसको ये लगता था कि ये जो यूएसए, ब्रिटेन और फ्रांस हैं ये एक ही ग्रुप में हैं और ये ज़्यादा शक्तिशाली हैं मुझसे। और यूएनओ के अंदर, यूएनओ में जो भी फैसला होता है वो यूएसए के कहने पे होता है, इसलिए वो हमेशा अपने वीटो पावर का मिसयूज करता था, और कोई भी डिसीजन जो था वो मैच्योर नहीं होता था, इसलिए जब तक कोल्ड वार चलती रही। तो हम कह सकते हैं कि यूएनओ जो था वो खुद ही एक अरीना बन गया था ड्यूरिंग द कोल्ड वार, और एक बहुत बड़ा इवेंट भी था। इसके अलावा और भी बहुत सारे इवेंट्स हैं ड्यूरिंग द कोल्ड वार, बहुत सारे एरिनाज हैं। तो आज के लिए इतने काफी हैं प्यारे बच्चों। तो इसके साथ मैं आज आपको होम असाइनमेंट दे देता हूँ, होम असाइनमेंट दे देता हूँ, और वो आपने लर्न करनी है और अच्छे से लर्न करना है। तो इसमें से बहुत सारे आपको छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप भी आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको लॉन्ग आंसर देता हूँ। तो पहला लॉन्ग आंसर आएगा व्हाट वाज कोल्ड वार एंड इट्स इवेंट्स। दूसरा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएगा व्हाट वाज कोल्ड वार एंड इट्स एरिनास। तो ये दो लॉन्ग आंसर आपको आ सकते हैं इस वाले आज के सेशन में जो पढ़ाया गया है आपको। इसमें से जो 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो इसको अच्छे से देख लेना, लर्न कर लेना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।